हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमकॉम सेम फोर जो सबसे खतरनाक है भाई, बड़े बड़े टॉपिक है इसमें। तो क्या टॉपिक पढ़े, कैसे पास हुए? सबसे पहले तुमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किससे सीखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, यील्ड वैल्यू। फिर एक एक गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड सीख के रखना है। 15वां कसम कंफर्म आता है, इजी वाला है तो पैराग्राफ वाला। ओके, फिर उसके ऑप्शन में दो चिल्लर सम आएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आएगा, 23 आएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट आएगा। फिर एक ऑप्शन है सबसे मेन सम, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसका सम सॉल्व करना है। तो यूट्यूब पे मैंने अच्छा खासा बोलते हैं ना 6-7 सम अपलोड कर दिया है, उसी टाइप का एक सम आता है। ठीक है, अगर तुमको पूरा बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो बच्चों लोग अब ये नंबर पे मैसेज कर दो, 200 रुपीज़ पे कर देंगे, मैं व्हाट्सएप पे सब सॉल्यूशन तुमको सेंड कर दूंगा पूरा बुक का। और फिर आपका ऑप्शन में आएगा वैल्यूएशन गुडविल सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, या फिर आएगा बोरिंग कॉस्ट वाला, आएगा टैक्स वाला सम, आएगा एडवांस टैक्स वाला, आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 वाला खतरनाक EPS वाला, और एक तुमको आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 रिपोर्टेबल सेगमेंट। छोटे छोटे सम आइए, मतलब दो बड़ा सम है, बाकी सब छोटे छोटे सम है मशीन वाला सम से। फिर तुमको शॉर्ट नोट्स आएगा, वो भी मैंने एक्सप्लेन करा दिया हूँ। और तुम्हारा काम है ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे, लास्ट ईयर का पेपर को गूगल में भी सर्च करो, मिल जाएगा, थोड़ा स्टडीज हो जाएगा। अब लोग काम है कि कंसोलिडेटेड वाला और ये गुडविल वाला, ये दो चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 30-15 मार्क का शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर लेंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।